हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DT4। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ DT4। राइट, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस क्वेश्चन पेपर को, इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, अगर आपको किसी जिस क्वेश्चन में जनरली आपको इन सभी क्वेश्चंस में जनरली डाउट नहीं होगा, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, जनरली आप उस क्वेश्चन को जब वॉच करें तो आपके पास वो क्वेश्चन पेपर या वो क्वेश्चन होना चाहिए जब आप उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो या जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन पेपर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्योंकि वैसे तो मैं अभी भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन वगैरह, लेकिन स्टिल यू मस्ट नो अबाउट कि विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। राइट, तो इसके लिए आपके पास ये क्वेश्चन होने बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। क्वेश्चन नंबर वन है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट। इसने बोला है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, देखिए जनरली हर्बिसाइड्स का रोल क्या होता है? हर्बिसाइड्स का रोल होता है जितने भी एक्सिस वीड्स हैं प्लांट्स के सराउंडिंग में, क्योंकि वो वीड्स जो हैं मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सोइल में, उनके लिए प्लांट्स के साथ कंपीट करता है, इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो उन वीड्स को रिमूव करना हर्बिसाइड्स का काम है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्लांट्स का हर्बिसाइड्स होना अच्छी बात है, आप हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ये भी अच्छी बात है कि एक्सिस वीड्स को निकाल देते हैं, लेकिन कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जिनका हमारी बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसका हमारी बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे एक टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पे एक टॉक्सिक इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस हर्बिसाइड के लिए प्लांट को रेजिस्टेंट बना देते हैं। इज दैट क्लियर? प्लांट अगर रेजिस्टेंट हो जाएगा ग्लाइफोसेट नाम के हर्बिसाइड्स के लिए, तो प्लांट्स में ग्लाइफोसेट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उस प्लांट को जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रहे, इसने पूछा है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट ग्लाइफोसेट। राइट, तो ये एक केमिकल है, एक हर्बिसाइड्स है, तो इसके लिए प्लांट्स को रेसिस्ट किया जाता है, बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, बीटी कॉटन ए ट्रांसजेनिक क्रॉप इज रेजिस्टेंस टू व्हाट? बीटी कॉटन जनरली कॉटन बॉलवॉर्म के लिए रेजिस्टेंट होती है, और कॉटन बॉलवॉर्म जो है लेपिडोप्टेरन ऑर्डर से बिलोंग करता है। याद रहे ये ऑर्डर्स भी आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में नाम दिया है डाइप्टेरन, कॉलियोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन। इन तीनों ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स को बीटी कॉटन यानी कि जो बेसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया है या ये बीटी जीन जो है उनको टारगेट बनाता है। तो कॉटन बॉलवॉर्म बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरन से, और यहाँ पे कॉटन बॉलवॉर्म का एक साइंटिफिक नेम होता है जिसको आप कहते हैं हेलिकोवेरपा, हेलिकोवेरपा आर्मीजेरा। राइट, तो ये कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन रेयरली ही पूछा जाएगा, राइट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरी टाइप क्वेश्चन। राइट, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट में क्या दिया है, कॉटन बॉलवॉर्म बिलोंगिंग टू ऑर्डर कॉलियोप्टेरा। कॉटन बॉलवॉर्म ठीक है, लेकिन कॉलियोप्टेरा से बिलोंग करता ही नहीं है, लेपिडोप्टेरन से बिलोंग करता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इसने हेलिकोवेरपा जो कि कॉटन बॉलवॉर्म का साइंटिफिक नेम है, बिलोंगिंग टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा ऑफ इंसेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। राइट, बाकी थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, आर्मी वॉर्म के लिए नहीं होता है ये, कॉटन बॉलवॉर्म हाइमनोप्टेरा ऑफ इंसेक्ट, हाइमनोप्टेरा में नहीं आता है कॉटन बॉलवॉर्म। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर फॉर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है किसके लिए, डाइकोट प्लांट्स के लिए। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो, कि डाइकोट्स प्लांट्स के लिए एज ए वेक्टर का आप इस्तेमाल करते हैं एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेशंस को, और ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, इफ द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स आर सिलेक्टेड बाय ब्लू और वाइट स्क्रीनिंग, इट मीन्स दैट द रिपोर्टर एंजाइम प्रोटीन इन दिस केस इज वॉट। देखिए, ब्लू और वाइट स्क्रीनिंग ये लैगजेड जीन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? लैगजेड जीन के लिए। देखिए, एक क्लोनिंग वेक्टर होता है पीयूसी, राइट, इसमें लैगजेड जीन होता है। लैगजेड जीन की साइड जब आप फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं, राइट, लैगजेड जीन का जो नॉर्मल काम है वो है एक एंजाइम को बनाना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज। तो लैगजेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करता है, राइट। अगर आप फॉरेन जीन को लैगजेड जीन की साइड से इंट्रोड्यूस करेंगे तो लैगजेड जीन का क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के केस में देयर विल बी नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैगजेड जीन का काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट। कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स में लैगजेड जीन प्रेजेंट होता है, वहां से जब आप जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, वो जीन इनएक्टिव हो जाता है, तो वो जीन अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। एक यहां पे क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कौन सा है जिसको आप बोलते हो? एक्स जेल, या एक्स गैल, गैलेक्टो, जी ए एल मतलब गैलेक्टोज। गैलेक्टोज है या नहीं है ये कंफर्म करना है। सपोज दैट अगर गैलेक्टोज नहीं है, गैलेक्टोसाइडेज बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो यहां पे अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है क्यों नहीं होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी नहीं होगा जब वहां पे उसका जीन इनएक्टिव हुआ होगा, जब वहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं निकलेगा। और जब यहां पे इस एक्स जेल को आप डालते हैं, इस एक्स जेल का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है, तो नहीं है तो यहां पे अगर, तो कौन सा कलर आएगा? व्हाइट कलर आ जाता है। तो व्हाइट कलर शो की रिकॉम्बिनेशन हुआ है, लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा तो वो एक्स जेल के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, और ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा यानी कि नो रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो व्हाइट कलर आएगा। तो व्हाइट कलर दैट शो रिकॉम्बिनेशन, एंड ब्लू कलर दैट शो नो रिकॉम्बिनेशन। दिस इज ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन, एंड दिस इज फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाइए। ए टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोसिस दैट एम्स एट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं पैथोजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, खासकर वायरल पैथोजन्स को या बैक्टीरियल पैथोजन्स को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक से, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन की हेल्प से, राइट, आप उनको डिटेक्ट करते हैं। और इस मेथड को आप एलाइजा कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है एचआईवी एड्स के पेशेंट के लिए, एचआईवी को कन्फर्म करने के लिए आप एलाइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एलाइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसने बोला है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन वाला जो टेस्ट है एलाइजा, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, वो है एलाइजा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इवेंट इन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चारों को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन अल्फा लैक्टे एल्बुमिन जीन इन काउ नेम्ड रोसी इन 1997। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, एंड ये पूरी तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन
ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन मतलब ह्यूमन इंसुलिन, बाय एली लिली एन अमेरिकन कंपनी अमेरिकन फर्म इन 1983। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, क्लिनिकल थेरेपी गिवन टू ट्रीट एडोसिन डेमिनेज डिफिशेंसी टू ए 4 year ओल्ड गर्ल इन 1997। दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। 1990 में ये जीन थेरेपी दी गई थी एडोसिन डिमिनेज डिफिशेंसी वाली लड़की को, जिसको SCID यानी कि सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशेंसी डिसऑर्डर था। यहाँ पे 97 ये स्टेटमेंट इसकी चक्कर में, इस 97 बाकी सारा सही है बट 97 दिया, ईयर गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसने गलत ही पूछा है, तो थर्ड आंसर आएगा। बाकी फोर्थ भी सही है, 2001 में कैनेडियन फॉर्म ट्रांसफर स्पाइडर सिल्क जीन इन लैक्टेटिंग गोट्स सो टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम मिल्क, ये सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ राइस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी लेड टू क्रिएशन ऑफ वैरायटी ऑफ राइस नेम वाज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है न्यूट्रिएंट्स रिच राइस माना जाता है, राइट। इसमें एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जो कि विटामिन ई, विटामिन ए का डेरिवेटिव बनाता है, जिसको आप बीटा कैरोटीन बोलते हैं, जिसकी वजह से इसको आप गोल्डन राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का जनरली इस्तेमाल किया जाता है इम्फाइसीमा के पेशेंट के लिए, जो इम्फाइसीमा के पेशेंट होते हैं, राइट, उनमें अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है और ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज नेचुरली अकरिंग प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ओके सही है ये। इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ इलास्टेज एंजाइम, ये भी सही है। इट इज इनहिबिटेड बाय स्मोकिंग, हाँ स्मोकिंग से इसका रोल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, इनहिबिट कर देता है ये उसको। इट्स एक्सेस प्रोडक्शन इन बॉडी कैन लीड टू इम्फाइसीमा, ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, राइट। इसके प्रोडक्शन से इम्फाइसीमा नहीं होता, इसके प्रोडक्शन कम हो जाने की वजह से इम्फाइसीमा होता है, याद रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन यूजफुल इन सिंथेसाइजिंग ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन विच कैन हेल्प हीमोफिलिक, इट इज हीमोफीलिया के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपने एक प्रोटीन बनाया है, दैट प्रोटीन इज फैक्टर नंबर 8 ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के 13 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर नंबर 8 की कमी की वजह से हीमोफीलिया हो जाता है, और फैक्टर नंबर 8 का नाम है AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे AHG बनाया रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, ये बात सही है, यानी कि फैक्टर नंबर 8 को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वैक्टर यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरियल सेल्स आर, बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आप कौन कौन से वैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला देखिए लैमडा फेज, बिल्कुल सही है। SV40 सिमियन वायरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें, पेपिलोमा वायरस का भी नहीं किया जाता है, जेमिनी वायरस का भी नहीं किया जाता है, PVR322 का किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लैम्डा फेज एंड PVR322। तो इस हिसाब से ए एंड ई, राइट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ए एंड ई ये दोनों वैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच इज़ ट्रू अबाउट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, तो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स में सही कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़िए, पहला है PCR इज यूज टू कट DNA मॉलिक्यूल, नहीं बिल्कुल गलत है, PCR का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप DNA मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ए DNA प्रॉब कंसिस्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंड ऑफ DNA, बिल्कुल सही है। ये DNA प्रॉब या RNA प्रॉब भी हो सकता है, ये सिंगल स्टैंड ऑफ DNA होता है DNA प्रॉब, बट ये रेडियो एक्टिव टैगिंग होता है, प्रॉब मतलब इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग कर दिया जाता है, राइट, ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑटो रेडियोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी थर्ड ऑप्शन भी आप पढ़ के देखिएगा गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इट इफ द जीन फॉर ब्रेजिन एक तरह का स्वीटेस्ट सब्सटेंस है, एक स्वीटेस्ट प्रोटीन है, पेंटा डाइप्लेंड्रा ब्रेजिना नाम का एक प्लांट है अफ्रीकन ओरिजिन का, तो उस प्लांट में ये नेचुरली ब्रेजिन प्रोड्यूस होता है। USA ने इसका पेटेंट लिया हुआ है, इसके जीन को जो है मेज के कर्नल में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राइट, मेज के कर्नल में ये ब्रेजिन बनता है USA में, राइट, और इसको एज ए स्वीटेस्ट सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। दिस इज 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन टेबल सुगर से ये 2000 गुना ज़्यादा स्वीटेस्ट है, एंड बट दैट इज़ प्रोटीन इन नेचर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द जीन फॉर ब्रेजिन इज ट्रांसफर्ड
in maize and is thus expressed in its kernel, then these kernel can be used to extract. इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ए स्वीट प्रोटीन फ्रॉम मेज. कौन सा आंसर आएगा? ए स्वीट प्रोटीन फ्रॉम मेज, यानी कि ब्रेजिन जिसको आप बोलते हैं, ये एक स्वीट प्रोटीन है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. इसमें से कौन सा जीन ट्रांसफर के लिए इनडायरेक्ट मेथड है? केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, बायोलिस्टिक, इलेक्ट्रोपोरेशन, टी आई प्लाज्मिड. तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड माना जाता है. किसके लिए? जीन ट्रांसफर के लिए. टी आई प्लाज्मिड में जो है आप फॉरेन जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आप सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया. बाकी केमिकल मेडिएटेड नहीं है, बायोलिस्टिक नहीं है, इलेक्ट्रोपोरेशन नहीं है, ये सब डायरेक्ट है. सिर्फ टी आई प्लाज्मिड इज इनडायरेक्ट इन ऑल दीज ऑप्शंस. तो क्वेश्चन नंबर 13 में फोर्थ विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 में फोर्थ आएगा, 14 देखिए. इफ इन ए लीनियर डीएनए द सीक्वेंस जी ए ए टी टी सी अपीयर्स एट द टू साइट, ठीक है, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट विल रिजल्ट इफ यू यूज इको आर वन. तो कितने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आएंगे? इसमें आएंगे 3 रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट. कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ. सपोज दैट आपके पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल में एक साइट ये है बेटा जहां पे जी ए ए टी टी सी है, राइट. सपोज दैट एक पर्टिकुलर साइट है जिसमें जी ए ए टी टी सी है. दूसरी साइट सपोज दैट देखिए, ये लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल ले लिया आपने, दूसरी साइट ये हो गई जी ए ए टी टी सी, और आपको पता है जी ए ए टी टी सी पे इको आर्बन नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता है. तो यहां से डीएनए कट होगा, यहां से डीएनए कट होगा, तो एक फ्रेगमेंट तो ये हो गया, दूसरा फ्रेगमेंट सेंटर में आ गया, और तीसरा फ्रेगमेंट ये हो गया. आर यू गेटिंग ऑन? यहां पे सीक्वेंस दो जगह है, जी ए ए टी टी सी, एक जगह ये भी, एक जगह ये भी. तो यहां से कट करेगा तो इधर वाला फ्रेगमेंट, यहां से कट करेगा तो इधर वाला फ्रेगमेंट और बीच वाला फ्रेगमेंट, तो 3 फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे. तो आंसर विल बी 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई ए जीन फॉर ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर. इसमें से कौन सा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है, आपको ये बताना है. पहला ऑप्शन देखिए, डी नेचर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. हाँ भाई, डी नेचुरेशन तो होता ही है, डी नेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनिलिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं पीसीआर में, राइट है. टी फॉर डीएनए लाइगेज, ये गलत है, डीएनए लाइगेज का कोई इस्तेमाल नहीं है. एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा नॉट रिक्वायर्ड है, तो नॉट रिक्वायर्ड इज सेकंड ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा, द जीन ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्लोन्ड एट बैम एच वन साइट ऑफ पी बी आर 322, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद रेस्पेक्ट टू सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेंट. भाई पी बी आर 322 का अगर आपको डायग्राम याद है तो उसमें बैम एच वन साइट पे अगर देखा जाए तो बैम एच वन साइट पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है जिसको आप बोलते हो टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंट जीन. अगर आप बैम एच वन की साइड से फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टिविटी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव हो जाएगा. लेकिन दूसरी साइड अगर आप बात करें, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दूसरी साइड उसके अपोजिट में एक साइड होती है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये भी पीबीआर 322 में है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा. इसमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है ये, द ट्रांसफॉर्मेंट्स रिमेन रेजिस्टेंट टू एम्पीसिलिन, क्योंकि एम्पीसिलिन की साइड से जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन की साइड से जीन इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ द जीन गन राइट is used to transfer the gene of interest, the most suitable competent host must be. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट बताना है जीन ट्रांसफर, जीन गन मेथड से. जनरली जीन गन मेथड का जो इस्तेमाल किया जाता है
इस मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लांट सेल के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली जीन गन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे डीएनए को राइट कोटेड विद गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन पार्टिकल से कोट करके राइट उसके बाद हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड किया जाता है प्लांट सेल पे। तो इसका मेनली इस्तेमाल प्लांट सेल्स के लिए किया जाता है। तो याद रहे यहाँ पे चारों में से देख लो प्लांट सेल कौन सी है। ईकोलाई नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये भी नहीं है, अरेबिडोप्सिस थैलियना। अरेबिडोप्सिस थैलियना एक प्लांट का एग्जांपल है। और प्लांट सेल्स के लिए आप जीन गन का मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस लास्ट वाला दिया है। सिनोरैबिडिटिस एक नेमेटोड है जो कि एनिमल है, उसके लिए जीन गन मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं मेनली एनिमल सेल्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए ऑन एन एग्रोसेल इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ। भाई आप एग्रोसेल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जिसमें कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, और डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करने के लिए आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का और इथिडियम ब्रोमाइड डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि डीएनए के बैंड डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑरेंज कलर के बैंड की फॉर्म में नजर आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में सेकंड ऑप्शन आएगा, यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड डाई का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैकिंग डाई, वाइटल डाई, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 में सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ए चार्ज। डीएनए ए बोला, ए बोले तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये आपको फिल करने हैं बस। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आर नेगेटिवली चार्ज, ए में नेगेटिव फिल कीजिए, एंड मूव थ्रू एग्रोसेल अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं एग्रोसेल मैट्रिक्स में, एंड रीच टुवर्ड्स द एनोड। तो ए में नेगेटिवली, बी में साइज और सी में एनोड। तो इसको आप मैच कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द अनइक्विवोकल प्रूफ द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये सबसे एंड में पता चला, और ये अल्फर्ड हार्सी एंड मर्थाचीस के एक्सपेरिमेंट से पता चला। इसको आप प्रोटीन वर्सेस डीएनए एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो दिस इट वाज परफॉर्म्ड बाय अल्फर्ड हार्सी एंड मर्था चेस। क्वेश्चन नंबर 20 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, देखिए 21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटीन की रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोसोम को कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम में एक पर्टिकुलर हिस्टोन ऑक्टेमर के सराउंडिंग में 200 बेस पेयर होते हैं, याद रहे। मैंने आपको न्यूक्लियोसोम बताया था, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टेमर, इस हिस्टोन ऑक्टेमर के सराउंडिंग में डीएनए रैप होता है, और इस रैपिंग ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। तो इसने न्यूक्लियोटाइड पूछा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना होगा। अगर 200 बेस पेयर है तो न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, 200 को पेयर है ना, तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 400 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ यूरासिल। यूरासिल की मिथाइलेटेड फॉर्म को थाइमिन कहा जाता है। थाइमिन का जो फॉर्मूला है, थाइमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। थाइमिन 5 मिथाइल यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमिन में। तो थाइमिन में 5 मिथाइल यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो यूरासिल की मिथाइलेटेड फॉर्म थाइमिन है, एंड थाइमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डीएनए पॉलीमरेज इज सिमिलर टू आरएनए पॉलीमरेज इन व्हाट। डीएनए पॉलीमरेज होता है आरएनए पॉलीमरेज के सिमिलर। ये डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज के जो सिमिलर होता है, ये सिर्फ एक ही एक्टिविटी में होता है, वो होता है कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज
5 to 3 डायरेक्शन में काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है डीएनए का 5 to 3 डायरेक्शन में। आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए का, वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन बैक्टीरिया बिकॉज, देखिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जबकि बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो वहां पे कॉमन कंपार्टमेंट होता है, सिर्फ साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है, दोनों अलग अलग चैम्बर में नहीं होते, अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं होते। तो यहां पे इसने यही पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन बैक्टीरिया बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस का वहां पे कोई सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन होता तो शायद वहां पे भी अलग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता बैक्टीरियल सेल में, तो एक ही कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड आंसर है ऐसे हिसाब से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसने बोला है सिविरो ओकोवा एंजाइम इज राइट। मार्शल नीरनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, जेनेटिक कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जेनेटिक कोड को समझने के लिए, ये जेनेटिक कोड वाले पोर्शन से देखना एनसीईआरटी में पढ़ना, जेनेटिक कोडोन वाला जो पोर्शन है, तो जेनेटिक कोडोन को समझने के लिए राइट सिंथेसाइज करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, सिविरो ओकोवा एंजाइम का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली सिविरो ओकोवा एंजाइम कुछ नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी बोलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, सिविरो ओकोवा एंजाइम को पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एग्जैक्टली ये आरएनए की पॉलीमराइजेशन करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ में दिया है बोथ 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 25 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, टेलिंग ऑफ HNRNA requires addition of A मतलब adenylic acid residues with the help of B, right? तो इसमें बोला है इसने टेलिंग ऑफ requires addition of A residue with the help of B। यहां पे देखिए इसमें A में आएगा adenylic acid, कितने adenylic acid इस्तेमाल होते हैं आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में, 200 से 300 एडेनाइलेट या एडेनाइलिक एसिड, तो ए का आएगा 200 से 300 एडेनाइलेट और बी में आएगा कौन सा एंजाइम चाहिए, यहाँ पे एंजाइम चाहिए पॉली ए पॉलीमरेज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, देखना आप नोट्स पढ़ना एक बारी राइट, या उस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखना तो आपको ये पता चल जाएगा, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस विद यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में क्या दिया है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स डज नॉट नेसेसरली प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए, दिस इज ड्यू टू, भाई एमआरएनए में सीक्वेंस, अमीनो एसिड की एमआरएनए में आप सीक्वेंस कंफर्म कर सकते हो, लेकिन प्रोटीन में अमीनो एसिड को देख के आप एमआरएनए के सीक्वेंस को कंफर्म नहीं कर सकते हो, बात याद रहे। जेनेटिक जो कोडोन होता है जिसको आप ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, वो अमीनो एसिड में एक्सप्रेस करता है, ना कि अमीनो एसिड उसमें एक्सप्रेस करता है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात अमीनो एसिड को ऑब्जर्व करके आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा जेनेटिक कोडोन होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डीजनरेसी एप्लीकेबल हो रहा है। जेनेटिक कोडोन के कुछ पॉइंट सैलिएंट फीचर्स में मैंने आपको डीजनरेसी के बारे में बताया था, कुछ ऐसे भी जेनेटिक कोडोन होते हैं राइट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोडोन होते हैं। अगर एक सपोज दैट आपने अमीनो एसिड देखा प्रोटीन में, अब आपने डिसाइड कर लिया कि ये तो भाई पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, सपोज दैट आपने देख लिया कि फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है, तो आप तो ये भी मान सकते हैं कि वो यू हो सकता है, या फिनाइल एलेनिन के और भी जेनेटिक कोडोन है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे डीजनरेसी लग जाएगा। अगर लॉ ऑफ डीजनरेसी लगाओगे तो अमीनो एसिड को देख के ये नहीं कन्फर्म कर पाओगे कि कौन सा जेनेटिक कोडोन है, तो ये पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से आपका देखा जाए, तो यहाँ पे फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 27, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन, इज दैट क्लियर?
जेनेटिक कोड और जेनेटिक कोडोन की डिजनेसी की वजह से आप अमीनो एसिड से जेनेटिक कोडोन की सिक्वेंसिंग नहीं बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चूज ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। इसमें जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया पूछा है और इसमें से आपको ऑड वन सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहले स्टेटमेंट में दिया है रिप्रेशर ऑफ लैक ऑपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंटली बाय आइजीन। रिप्रेशर आइजीन बनाता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको ऑड वन यानी कि गलत स्टेटमेंट बतानी है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेशर इज रिफर्ड टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन। भाई ये नेगेटिव रेगुलेशन है, ये गलत दिया हुआ है, तो ऑड वन निकालना है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में दिया है लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर इन लैकोपेरोन। बिल्कुल सही कहा, लैक्टोज को आप इंड्यूसर कहते हैं लैकोपेरोन में। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इन लैकोपेरोन ए पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गलत स्टेटमेंट है, सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में सेकंड आएगा, ये नेगेटिव रेगुलेशन है, पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं है भाई दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सेकंड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन ईकोलाई बैक्टीरियम बाय इज कैटेलाइज बाय। भाई ट्रांसलेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया, ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको कैटेलाइज करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, लेकिन इसने बोला ईकोलाई यानी कि बैक्टीरिया में ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कुछ नहीं राइबोजाइम ही होता है, राइबोजाइम यानी कि 23 sRNA। वहीं यूकैरियोटिक सेल में ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज 28 sRNA होता है। तो यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक राइबोजाइम है जो कि 23 sRNA होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सैटेलाइट DNA इज वॉट, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन पॉलीमॉर्फिक DNA, ठीक है, सैटेलाइट DNA पॉलीमॉर्फिक DNA को इंडिकेट करता है, बिल्कुल सही है। इट्स इंट्रॉनिक सीक्वेंस ऑफ DNA, हाँ, क्योंकि ये किसी भी पेप्टाइड में एक्सप्रेस नहीं होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं इसको, तो इंट्रॉनिक सीक्वेंस होगा, बिल्कुल सही है। थर्ड, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट DNA का इस्तेमाल किया जाता है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जैक्टली देखा जाए तो तीनों ही ऊपर दिए वाले ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नंबर ऑफ जीन्स एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम 1 इन ह्यूमन बींग्स इज 2968 जीन्स। क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स होते हैं, 2968 जीन्स, एंड क्रोमोसोम 1 इज द ओनली क्रोमोसोम जिसको कंप्लीट होने में, जिसकी कोडिंग को कंप्लीट होने में, जिसकी मतलब सिक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई करने में हमें राइट 13 ईयर्स के बजाय 16 ईयर्स लगे। सबसे बाद में जो है वो 2006, आपको पता होगा कि HGP जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो 1990 से 2003 तक चला, लेकिन क्रोमोसोम 1 की सिक्वेंसिंग कंप्लीट हुई 2006 में। तो सबसे लंबा क्रोमोसोम माना जाता है इसको, सबसे ज़्यादा जीन है 2968, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में क्या दिया है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। इसमें देखिए BCOD तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ट्रैप ओपेरोन वाला स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। एपो रिप्रेशर एंड को रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू ऑपरेटर जीन, बिल्कुल सही है। एपो रिप्रेशर और को रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाते हैं और उसके बाद वो ऑपरेटर जीन पे बाइंड करते हैं एंड ब्लॉक द फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज। उसके बाद वो RNA पॉलीमराइजेशन को रोक देते हैं, RNA पॉलीमरेज का फंक्शन बंद कर देते हैं, राइट, इन द ट्रैप ऑपेरोन, ये ट्रिप्टोफन ऑपेरोन में देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन जीनोम। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन जीनोम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है, राइट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। देखिए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, देखिए लार्जेस्ट जीन इज ऑटोसोमल विद 2.4 मिलियन बेस, बिल्कुल गलत। लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन होता है, एक्स लिंक्ड होता है, ऑटोसोमल नहीं होता, तो यहीं पर गलत हो गया, यहाँ पर ऑटोसोमल दिया, ठीक है। बाकी 2.4 मिलियन बेसिस ठीक है, इतना सही है, लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम्स पे होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा इसने। बाकी सेकंड देखिए, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये सही है।
लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ये भी सही है। द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सिक्वेंस वॉज क्रोमोसोम 1 इन मई 2006, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी अभी डिस्कस किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो आंसर आएगा आपका, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो किस बिहाफ पे है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत, साइज के हिसाब से आप ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन निकाल ही नहीं सकते। यू कैन कंपेयर द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट, पैरट का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, इवन मोर देन 100 ईयर्स कभी कभी, लेकिन क्रो का लाइफ स्पैन 10 से 12 साल होता है, बट देर इज नॉट दैट मच डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट। तो साइज के हिसाब से लाइफ स्पैन को कभी भी एस्टिमेट नहीं किया जाता, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डिपेंड्स अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी गलत है, इट इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ये स्टेटमेंट सही है, मैंने बोला ना साइज के हिसाब से आप लाइफ स्पैन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जरूरी नहीं है साइज अगर लार्जेस्ट है तो उसका लाइफ स्पैन भी लार्जेस्ट होगा, दिस इज नॉट कंपलसरी। तो ये यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम बियरिंग बर्ड फॉर्म्स ए न्यू प्लांट इन जिंजर। अंडरग्राउंड स्टेम ये राइजोम की बात कर रहा है जो कि न्यू बर्ड्स बनाता है, तो राइजोम यानी कि जिंजर, बाकी ये अंडरग्राउंड स्टेम में आपका बर्ड्स जो है पोटैटो वगैरह में भी हो सकती है, लेकिन पोटैटो इज नॉट गिवन इन ऑप्शन, तो जिंजर दिया है, बाकी सब में नहीं होता, कैलोनसी एडियंटम एंड एगाओ में अंडरग्राउंड बर्ड नहीं डेवलप होती। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू मोनोकोट एम्ब्रियो। 36 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है, मोनोकोट एम्ब्रियो का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे स्क्यूटेलम ये स्ट्रक्चर होता है, हाइलम इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, हाइलम इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, याद रहे हाइलम ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, आप पढ़ना ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, दिस इज नॉट इन एम्ब्रियो। कॉलियोप्टाइल होता है, कॉलियोराइजा होता है, कौन सा नहीं होता यही पूछा है, तो हाइलम आएगा आंसर, सेकेंड आंसर विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इन फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली। भाई कॉमन एसेक्सुअल स्पोर फंजाई में कौन से होते हैं, कॉनिडिया होते हैं राइट, एंड एल्गी में जूस्पोर होते हैं, तो मेक इट करेक्ट। ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन है, पढ़ना है उसको, उसमें मेंशन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो पहला ए स्टेटमेंट पढ़िए, एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिल्कुल सही है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑलवेज नीड टू पेरेंट्स, दिस इज नॉट कंपल्सरी, वन पेरेंट में भी होता है, हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं भाई। सी देखिए, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ये करेक्ट है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वेरिएशन देखा जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, तो ए और सी दोनों स्टेटमेंट सही है। डी स्टेटमेंट देखिए, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू नॉट शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाई डाइवर्स ऑर्गेनिज्म शो ए सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जायगोट फॉर्मेशन सभी में होती है, फर्टिलाइजेशन सभी में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ये देखिए, ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इवन बिफोर द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, ये बिल्कुल गलत है यार, जुवेनाइल फेज से पहले कैसे हो जाएगा दोस्त, जुवेनाइल फेज के बाद होता है ये, रिप्रोडक्टिव फेज में होता है ना, क्योंकि एक सेक्सुअल मेच्योरिटी तो अटेन करनी पड़ती है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन हो जाती है उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है जुवेनाइल फेज के बाद, है ना, तो उस दौरान वो जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ ए और सी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर आएगा फोर्थ, ए एंड सी ओनली, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, टू एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, मैंने बताया था आपको एलेलिक जीन मतलब एलिल जो होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होती हैं, तो टू एलेलिक जीन्स जो आएंगे वो टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे सेकंड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड, इसने बोला है कि इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर्स,
ऑफ अ पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड होमोजाइगस। भाई होमोजाइगस कंडीशन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स मतलब होमोजाइगस कंडीशन, अगर अलग अलग हो जाते हैं तो हेटरोजाइगस। तो क्वेश्चन नंबर 40 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द रेशियो ऑफ एफ टू जनरेशन इज। यहाँ पे रेशियो ऑफ एफ टू जनरेशन पूछा है इसने, और यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल के हिसाब से 9:3:3:1 आएगा, राइट। इसने डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड की बात नहीं की है, लेकिन मोनोहाइब्रिड का 3:1 भी नहीं दिया है, डाईहाइब्रिड का रेशियो दिया है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सल लॉ। अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल्स, तो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ, नॉट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इवन। क्वेश्चन नंबर 41 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए, आइए, ए मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कलर ऑफ सीड कॉट, नेचर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, हाइट ऑफ स्टेम आर कॉल्ड फिनोटाइप। ये सब क्या है? फिनोटाइपिक करेक्टर है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 42 में थर्ड आंसर आएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 43, हु रीडिस्कवर द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मेंडल एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया डेवरिस, स्मार्क एंड कोरेंस ने। तो यहाँ पे 43 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इन मिराबिला ज़ेल्पा प्लांट, ठीक है, व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स आर क्रॉस्ड, ऑल F1 प्लांट्स हैव पिंक कलर्ड फ्लावर, राइट। इन F2 प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग, इन F1 प्लांट रेड पिंक व्हाइट फ्लावर वुड अपियर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ। भाई ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप एक बार पढ़ना, ये पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है। F1 जनरेशन में जब रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराया तो सारे पिंक आ गए, F2 जनरेशन में कुछ रेड आए, कुछ पिंक आए, कुछ व्हाइट आए, और वो कितने रेशियो में है? 1:2:1 में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ए कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न व्हेन। एक कलर ब्लाइंड डॉटर कब पैदा होगी? एक कलर ब्लाइंड डॉटर तभी पैदा हो सकती है जब फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर कैरियर हो। देखो, कलर ब्लाइंड डॉटर की बात कर रहा है, तो डॉटर कलर ब्लाइंड तभी होगी, डॉटर की कंडीशन ये है, अगर खाली एक वाला अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है तो ये कलर ब्लाइंड नहीं है, ये कैरियर हो जाएगी। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस डॉटर की बात कर रहा है, तो दोनों अफेक्टेड क्रोमोसोम होने चाहिए, और दोनों अफेक्टेड क्रोमोसोम तभी पॉसिबल होंगे जब मदर से आएगा ये वाला, जब मदर कैरियर होगी, क्योंकि मदर ने कैरी किया ना, और ये वाला फादर से आएगा, जब फादर तो एक के साथ भी अफेक्टेड होता है, तो अफेक्टेड फादर, राइट। तो इन दिस कंडीशन मदर इज कैरियर, फादर इज कलर ब्लाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 45 में फोर्थ आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, लिसन केयरफुली। Now I am going to discuss about question number 46, listen carefully. If a normal woman marries an albino man and their offspring are half albino, half normal, the woman is what? इसने बोला है कि एक normal woman जो है वो marry करती है albino man के साथ। अब इस केस में offspring जो आते हैं half albino आते हैं और half normal आते हैं। Are you getting or not? तो वुमेन क्या होगी? तो देखिए यहां पे अगर हम एल्बिनो की बात करें, सपोज दैट एक नॉर्मल वुमेन है, राइट, और नॉर्मल वुमेन एल्बिनो मैन के साथ मैरिज करती है, तो यहां पे 50% क्या आने चाहिए? हाफ नॉर्मल आने चाहिए और हाफ एल्बिनो आने चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये वुमेन हेटरोजाइगस होगी, कैरियर होगी। आप इस क्रॉस को करके देख सकते हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा, राइट, इस क्रॉस को आप करके देखना, क्वेश्चन नंबर 46 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एबीओ इनहेरिटेंस, राइट, एबीओ इनहेरिटेंस क्या है ये पूछा इसने। एबीओ इनहेरिटेंस शोज, एबीओ इनहेरिटेंस जो है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, वो शो करता है कोडोमिनेंस को, राइट। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, पार्शियल डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए, इफ मेंडल हैज चूजन टू स्टडी ट्रेट्स डिटरमाइंड बाय लिंक्ड जीन्स ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड। आर यू गेटिंग और नॉट? ये देखिए यहां पे बोला है कि अगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कोई लिंक्ड जीन इस्तेमाल किया होता, राइट, यानी कि ये लिंकेज की बात कर रहा है, तो कौन सा लॉ
डिस्कवर नहीं कर पाता। तो इसका आंसर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का जो ड्रॉबैक होता है वो होता है लिंकेज। लिंकेज इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, सॉरी। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, जहां पे जीन लिंक हो जाएंगे वहां पे जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो है वो लिंकेज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मेंडल डिड नॉट इंक्लूड इन हिज लॉज। मेंडल ने अपने लॉ में क्या इंक्लूड नहीं किया, यही क्वेश्चन एक तरीके से दोबारा रिपीट हो गया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिंकेज को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में लिंकेज को इन्वॉल्व कर लेता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट नहीं डेवलप हो पाता। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे भी फोर्थ आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अदर नेम इज राइट। फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो अदर नेम है वो है प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज इज द अनदर नेम ऑफ फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 50 का वन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कॉर्पस लूटियम इज, कॉर्पस लूटियम क्या है ये आपको बताना है। कॉर्पस लूटियम एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, एस्ट्रोजन को भी रिलीज करती है। तो यहां पे आएगा एंडोक्राइन। तो क्वेश्चन नंबर 51 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, एग्स लाइब्रेटेड फ्रॉम ओवरी इन ह्यूमन इज सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में एग्स जो है लाइब्रेट करते हैं ओवरी से। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, डीजनरेटिव प्रोसेस ऑफ फॉलिकल्स और एग्स इन ओवरी इज कॉल्ड, राइट। जो डीजनरेटिव प्रोसेस होता है, काफी सारे काफी सारे फॉलिकल्स जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्यूबर्टी की एज से पहले पहले काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट कर जाते हैं। इस स्टेज को आप फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं, इस कंडीशन को फॉलिकुलर एट्रेसिया कहा जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 53 में सेकंड विल बी राइट आंसर, यानी कि एट्रेसिया। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज फिम्ब्रिएटेड फनल एंड डिस्टल पार्ट फॉर्म्स द यूटेरस, राइट। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, यहां पे यूटेरस आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया के बीच में कौन सी सेल्स होती है? तो स्पर्मेटोगोनिया के बीच में नर्व सेल्स होती है, जिनको आप सस्टेंटिकुलर सेल या सर्टोली सेल भी कहते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसमें सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में क्या पूछा है इसने, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल सिक्रेट करती है, एंड्रोजन या फिर ये कहिए टेस्टोस्टेरोन, इसको जो है लीडिंग सेल्स जो है वो सिक्रेट करती है, यानी कि यहां पे 56 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम, वास डिफरेंस कहां से अराइज होती है? तो वास डिफरेंस अराइज फ्रॉम कोडा एपिडिडाइमिस, तो जो कोडा एपिडिडाइमिस है उससे वास डिफरेंस अराइज होती है। देखिए एपिडिडाइमिस के थ्री पार्ट्स होते हैं, कैप्यूट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एंड लास्ट में होता है कोडा। तो कोडा एपिडिडाइमिस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जो है कोडा एपिडिडाइमिस के पास बाद वास डिफरेंस अराइज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इन मैमल्स फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम इज नोन एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। देखिए मैमल्स में अगर टेस्टिस का फेलियर हो जाता है, टेस्टिस मैमल्स में अगर डिसेंड नहीं कर पाते हैं तो इस कंडीशन को आप क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। दिस कंडीशन कैन डेवलप इन ह्यूमन बींग ऑल्सो। अगर फीटल लाइफ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, राइट, 30 नैनोग्राम से अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है फीटल लाइफ में, फीटल स्टेज में, तो इवन इन ह्यूमन बींग ऑल्सो टेस्टिस विल नॉट एबल टू डिसेंड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट फीटल लाइफ स्टेज में भी होती है, राइट, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमन टू
स्क्रोटम। तो इस कंडीशन को क्रिप्टोर्काइडिज्म कहते हैं, और इस कंडीशन के लिए राइट एक सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको आप ऑर्कियोपैक्सी कहते हैं। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। विच एसिड अकर इन सीमन, इसने पूछा है कौन सा एसिड सीमन में होता है ये आपको बताना है। तो सीमन में देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड लास्ट में सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे जो सीमन में जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ये अंडरगोज इन क्रैब साइकिल, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये सिट्रिक एसिड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है उससे सिट्रिक एसिड सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पेरिस्पर्म इज व्हाट। पेरिस्पर्म देखिए, अगर ओव्यूल में न्यूसिलस प्रसिस्टेंट रह जाता है, न्यूसिलस रिमेन परसिस्टेंट इन ओव्यूल, जनरली न्यूसिलस का यूटिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के दौरान, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन के दौरान। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे हैं जैसे कि ब्लैक पीपर, उसमें क्या होता है न्यूसिलस रिमेन परसिस्टेंट राइट। तो अगर सीड्स में न्यूसिलस बचा रह जाता है ऐसे सीड्स को आप पेरिस्पर्म कहेंगे। तो परसिस्टेंट न्यूसिलस इन सीड, दिस सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 60 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच वन इज फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पे पूछा है कि इसमें से कौन सा गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट है। तो यहां पे आपका आंसर आएगा एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर 61 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को कहते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज होती है ये, ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, टेप्टम इज, टेप्टम क्या है। देखिए एंथर की फोर वॉल होती है, फोर वॉल में से एक इनर मोस्ट वॉल होती है जिसको आप टेप्टम कहते हैं। तो टेप्टम पेराइटल इन ओरिजिन होता है, यूजुअली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल राइट। तो आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, आरके स्पोरियल सेल्स से दो टाइप की सेल्स डिराइव्ड होती है, वन इज पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, अनदर इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से एंथ्रक की चारों वॉल बनती है, तो टेप्टम भी पैराइटल सेल्स का ही ओरिजिन है राइट। वही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है उससे स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं जिनसे बाद में पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 62 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए, विच स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा पोलन ग्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों ही आएगा। स्पोरोपोलेनिन भी प्रोटेक्ट करता है, पोलन किट भी प्रोटेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन, यानी कि बोथ 1 एंड 2, स्पोरोपोलेनिन एंड पोलन किट। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, द मेच्योर मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट। 64 का देखिए, इसमें पूछा है कि जो मेल मेच्योर गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में वो कौन रिप्रेजेंट करता है। देखिए पोलन ग्रेन जो होता है वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, लेकिन जब वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है, उससे पोलन ट्यूब अराइज हो जाती है, तब उसे आप कहते हैं मेच्योर पोलन ग्रेन राइट। यानी कि यहां पे जर्मिनेटिंग जो पोलन ग्रेन होगा वो एक मेच्योर मेल गैमेटोफाइट होगा एंजियोस्पर्म में। ये क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे ये, उबिस्क बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन, उबिस्क बॉडी किस में प्रोड्यूस होती है। उबिस्क बॉडीज प्रोड्यूस करता है टेप्टम, बाद में इस उबिस्क बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है स्पोरोपोलेनिन की फॉर्मेशन में। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 65 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विच इज मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस विद रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें से कौन सी मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस है विद रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें आएगा आंसर आपका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। देखिए सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड फॉर्मेशन होगा, और जब सीड फॉर्मेशन के बाद सीड बन जाता है तो सीड जर्मिनेशन के बाद एक न्यू प्लांट आ जाता है, यानी कि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए, एंड्रोजेनिक हैप्लोइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम राइट। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, एंड्रोजेनिक हैप्लोइड प्लांट जो प्रोड्यूस किया था गुहा एंड माहेश्वरी ने प्रोड्यूस किया था राइट। यहां पे दो टाइप के प्लांट आए थे, एक एंड्रोजेनिक हैप्लोइड और दूसरा एंड्रोजेनिक डिप्लोइड। एंथर वॉल से टिश्यू कल्चर में जो प्लांट डेवलप हुआ था वो डिप्लोइड था, और
पॉलन ग्रेन से जो प्लांट डेवलप हुआ था वो हैप्लोइड था, क्योंकि पॉलन ग्रेन हैप्लोइड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर, यानी कि पॉलन ग्रेन से एंड्रोजेनिक हैप्लोइड प्लांट डेवलप किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, राइट। तो यहां पे देखिए, फ्लावर इज मॉडिफाइड रूट, बिल्कुल नहीं, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, यही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो 68 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट होता है। बाकी थर्ड ऑप्शन में दिया है फ्लावर इज मॉडिफाइड लीव, बिल्कुल गलत, फ्लावर इज मॉडिफाइड इन्फ्लोरेसेंस, ये भी गलत है, इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर बनता है, राइट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस भी मॉडिफाइड शूट है, इज दैट क्लियर। तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम ए हैप्लोइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल द प्रोसेस इज नोन एज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। अगर यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में काफी सारी सेल्स होती हैं, एक हैप्लोइड एग सेल्स होती है, बाकी हैप्लोइड सिनेरेजिड्स होते हैं, एंटीपोडल्स होती है, सेंट्रल सेल्स भी होती है। अगर एग सेल को छोड़ के अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन राइट डेवलप हो जाए एम्ब्रियो, एग सेल के अलावा किसी दूसरी सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, सिनेरेजिड से डेवलप हो जाए या एंटीपोडल सेल से, इस प्रोसेस को आप कहते हैं एपोगेमी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए, मैच द कॉलम, आपको कॉलम मैच करना है। देखिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, मैच कॉलम करना है। द पिल, पिल में जनरली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस्तेमाल किए जाते हैं, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो काम होता है वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे कि एलएच का सिक्रीशन बंद हो जाता है। और अगर एलएच सिक्रीशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो एलएच सिक्रीशन नहीं हो पाता, और अगर एलएच सिक्रीशन नहीं हो पाया तो ओवुलेशन रुक जाएगा। तो जितनी भी पिल्स होती हैं वो जनरली ओवुलेशन को रोकती है, बात ध्यान रखिएगा। तो ए को मैच कीजिए सी से, राइट, बी को मैच कीजिए ए से, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, यहां पे स्पर्म की फिजिकल एंट्री को रोक दिया जाता है। तो यहां पे बी को ए से मैच करना है। सी देखिए, वासकटोमी, वासकटोमी सीमन कंटेन्स नो स्पर्म, राइट, यहां पे सीमन में स्पर्म नहीं आएंगे, क्योंकि वासकटोमी में सर्जिकल ट्रीटमेंट करके राइट वास रेफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, तो स्पर्म की एंट्री को वास रेफरेंस में ब्लो कर दिया जाता है। तो सीमन कंटेन्स नो स्पर्म्स। डी देखिए, कॉपर टी, कॉपर टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, कॉपर टी जो है किसको प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, इज दैट क्लियर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जिफ्ट क्या है, जिफ्ट मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ जायगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 71 का फर्स्ट आंसर आएगा, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अमनियोसेंटेसिस डिटेक्ट, अमनियोसेंटेसिस क्या क्या डिटेक्ट करता है, डिफॉर्मिटी इन ब्रेन बिल्कुल डिटेक्ट कर सकता है, डिफॉर्मेटिव हार्ट में भी डिटेक्ट कर सकता है, हेरिडिटी डिजीज को भी डिटेक्ट कर सकता है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एमनियोसेंटेसिस से आप किसी भी बीमारी का, फीटल में अगर कोई बीमारी होगी फीटस के अंदर, उसको आप इजिली कंफर्म कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से, राइट। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूड को निकाल के उसको इंजेक्शन की हेल्प से निकाल के जो है उसका अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन की जाती है, राइट, उसमें आपको किसी भी तरह के डिफॉर्मिटीज के बारे में, फीटस के डिफॉर्मिटीज के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि आप उसको एक आसान ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उस फीटस को उस बीमारी से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए, द टेक्निक कॉल्ड गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स, राइट। तो यहां पे कौन सी फीमेल के लिए गिफ्ट राइट इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे वो कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ऐसी फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसके लिए यहाँ पे गिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का, तो हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। क्वेश्चन नंबर 74, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कब तक के लिए सेफ है, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल अबॉर्शन भी बोलते हैं, जो इंटेंशनल अबॉर्शन होता है वो कुछ लीगल कंडीशन में ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये राइट, अदरवाइज तो ये इलीगल है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इस ये जो है टेक्निक बैन है, एमटीपी करना बिल्कुल बैन है,
राइट, कुछ केसेस के अंदर, कुछ केसेस में ही लीगल है, और वो भी 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ही परफॉर्म किया जा सकता है, ये तब तक ही सेफ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 पे ये मिडल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पोसेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, तो यहां पे 75 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर, क्योंकि यहां पे मिडल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म जो है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल दोनों पोर्शन होते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा, देखिए चार ऑप्शन दिए, हीमोकोरियल, सिंडिस्मोकोरियल, योक सैक, हीमो एंडोथेलियल। तो 76 में जो आएगा ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो हीमोकोरियल टाइप की है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में भी फ्रेम हो सकता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि प्लेसेंटा का टाइप क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटा का जो टाइप है वो हीमोकोरियल है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 76 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाइए, पॉलीस्पर्मी इज नॉर्मली प्रिवेंटेड बाय, पॉलीस्पर्मी कौन प्रिवेंट करता है आपको ये बताना है। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है कॉर्टिकल लेयर या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आप पढ़ते हैं जिसको, तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रैप होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, जिसको आप कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे एग मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है और जो दूसरे स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आएगा, क्वेश्चन नंबर 77 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाइए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स इज मेनली कंसर्न, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एनिमल्स में वो किससे कंसर्न करता है ये आपको बताना है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि बाहर एक एक्सटर्नल मीडियम मिल जाता है, जबकि लैंड में टेरिस्ट्रियल कंडीशन में कोई मीडियम नहीं मिलता है एनिमल्स को, इसलिए एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, बिकॉज देयर इज नो मीडियम, वाटर जैसी कंडीशन है ही नहीं, वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, इसलिए टेरिस्ट्रियल एनिमल में राइट जो है, जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके पास ये मीडियम नहीं होता, तो उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें थर्ड विल बी राइट आंसर विद एन एडेप्टेशन टू द टेरिस्ट्रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 79 पे आइए, विच सेट ऑफ स्ट्रक्चर इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। देखिए यहां पे आएगा आपका आंसर थर्ड, देखिए एपिडर्मिस, ब्रेन और रेटिना, ये तीनों ही एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो 79 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटल, ये कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है। अगर आपने पढ़ा हो स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पोर्शन है उसका ये टॉपिक है कंट्रोल ब्रीडिंग का। तो यहाँ पे कैटल के हाइब्रिडाइजेशन के लिए मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को परफॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ पोलिट्री आर, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा, मैंने एक्जोटिक ब्रीड आपको लिखवाया है व्हाइट लेगन एंड रोड आइलैंड, ये दोनों ही राइट एक्जोटिक ब्रीड होती है। इज दैट क्लियर? किसकी? पोल्ट्री की। पोल्ट्री की एक्जोटिक ब्रीड माना जाता है व्हाइट लेगन को और रोड आइलैंड रेड को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए, 82 में क्या है, पिस्की कल्चर इज रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, पिस्की कल्चर इज द रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेज, फिशेज के रियरिंग और प्रोडक्शन को आप पिस्की कल्चर कहते हैं, वही एक्वा कल्चर कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की रियरिंग को। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए, नेम ऑफ शीप क्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम इज, उस शीप का नाम बताना है आपको जिसको पहली बार क्लोन किया जाता है, पहली बार जिसका क्लोन बनाया गया था, ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में मैंने आपको पढ़ाया है। इसका आंसर आएगा डोली, फरवरी 1997 में राइट, डोली का, डोली वॉज द शीप जिसका पहला क्लोन तैयार किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 83 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, सिल्क वॉर्म लार्वा स्पिन सिल्क फ्रॉम, देखिए सिल्क वॉर्म में जो का जो लार्वा होता है वो स्पिन करता है सिल्क को, वो करता है आउटसाइड टू इनसाइड, याद रहे ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें जो स्पिनिंग ऑफ सिल्क होता है वो आउटसाइड से अंदर की साइड होता है, और अंदर की साइड जो सिल्क वॉर्म का लार्वा है वो पैक हो जाता है राइट, जैसे ही डीगमिंग वगैरह प्रोसेस के लिए उसको डाला जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बॉइल्ड वाटर में वैसे ही वो मर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, पोमेटो इज व्हाट, पोमेटो ये एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है, एंड दिस इज द हाइब्रिड ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, ये टोमेटो और पोटैटो की एक हाइब्रिड है राइट। तो इसमें आएगा सोमेटिक हाइब्रिड एंड एलो पॉलीप्लोइड,
तो दोनों ही आएगा इसमें, ये सोमेटिक हाइब्रिड भी है और एलो पॉलीप्लोइड भी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ बढ़ जाते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट सेल में आप क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पे 85 का फोर्थ ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए। सोमा क्लोनल वेरिएशन अपियर्स इन, सोमा क्लोनल वेरिएशन देखी जाती है टिश्यू कल्चर रेस्ट प्लांट में, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अमंग दी फॉलोइंग, इसमें से रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बताना है, वीट, मेज, ग्राउंड नट एंड राइस। देखिए सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है यहाँ पे वो ग्राउंड नट में होगा, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 87 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। वैसे तो मेज में भी प्रोटीन होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ग्राउंड नट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए। नॉरिन 10 जीन, नॉरिन 10 जीन इज द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट, वीट की ड्वार्फ वैरायटी का जो जीन है उसको नॉरिन 10 जीन बोलते हो, इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 88 का सेकंड ऑप्शन इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आइए। व्हाट इज ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल क्या है? इट इज ए इंटरजेनेरिक हाइब्रिड, ये भी मैंने एग्जांपल बताया आपको। 89 का फर्स्ट आंसर रहेगा, दिस इज द इंटरजेनेरिक हाइब्रिड ऑफ वीट एंड राई। तो आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके राइट DT4 के। इसके बाद अगले टेस्ट के साथ मिलते हैं आपके DT5 या DT6 के बारे में नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।